ये देखिए, इसकी बात मैं कर रहा था। रेल मोटर कार शिमला से आ रही है और इसमें सिर्फ 14 सीट्स होती है मेरे ख्याल से। और ये पूरा धर्मपुरा जितना आप देख रहे हो, प्यारी सी छोटी सी धर्मपुर की मार्केट, गुरुद्वारा साहिब धर्मपुर हो गए भैया। एकदम स्पीड देखिए भैया की। और ये है जी प्रॉपर धर्मपुर टाउन। सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी किदा सारे, आई होप तुसी सारे वधिया होंगे। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग आए हैं जी हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर टाउन में, जो कि कसौली के बिल्कुल पास में है धर्मपुर। और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है धर्मपुर। तो चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए जी, ये पूरा धर्मपुर टाउन है। ये देखिए जी, ये सारा धर्मपुर टाउन है पहाड़ों के बीचों बीच। ये देखिए कितना ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रखा है, क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं और एकदम ठंडा मौसम हुआ हुआ है। और ऊपर सारा धर्मपुर टाउन, और ये नीचे आप देखिए क्यूट सा धर्मपुर रेलवे स्टेशन। आओ चल के धर्मपुर रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। और ये जो धर्मपुर रेलवे स्टेशन है, ये भी कालका शिमला रेलवे लाइन का स्टेशन है। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से स्टेशन आते हैं कालका से शिमला जाते वक्त। ये देखिए कितना पुराना कंस्ट्रक्शन हो रखा है। ये भी उतना ही पुराना रेलवे स्टेशन है जितना पुराना ये रेलवे ट्रैक है, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। ये देखिए ऊपर कितना ब्यूटीफुल काम हो रखा है ना, वो छत के ऊपर जो कढ़ाई सी बनाई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग। मुझे ना ऐसी सब जगह देखना घूमने आना पसंद है, पुरानी सी जगह हो है ना, घूम के मजा आता है। देखो सर और कितनी ओल्ड बिल्डिंग है ये भी, क्या स्टेशन भी कितना ओल्ड है। हाँ जी, ये ऊपर मार्केट के लिए रास्ता और एक क्यूट सा छोटा सा धर्मपुर रेलवे स्टेशन। बहुत ही पुराना ब्यूटीफुल सा रेलवे स्टेशन है ये। ये देखिए धर्मपुर हिमाचल, समुद्र तल से ऊंचाई 1469 मीटर अबव सी लेवल। ये देखिए जोरावर रेल मोटर कार आ गई है शिमला से। अरे दिए देखिए, इसकी बात मैं कर रहा था, रेल मोटर कार शिमला से आ रही है और इसमें सिर्फ 14 सीट्स होती है मेरे ख्याल से। देखा, रुकी नहीं, ट्रेन निकल गई आगे। हाँ जी, देखा किद्दा लगी छोटी सी, बड़ी क्यूट सी ये ट्रेन है। और इसमें ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत डिफरेंट है ना, आज से पहले मैंने कहीं ऐसी देखी नहीं ट्रेन। अच्छा, बहुत क्यूट नाम लगता समर हिल, कुछ डिफरेंट। ये छोटी सी कैंटीन धर्मपुर रेलवे स्टेशन की। हाँ जी, हाँ जी, वो इंजन है। हाँ, 1903 में बना हुआ ये स्टेशन एग्जैक्टली। ये देखिए, तो आप रेगुलरली मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले हमने
ऐसे ही बड़ोग स्टेशन का ही व्लॉग बनाया था, वो भी बहुत ब्यूटीफुल स्टेशन है, पूरा डेडिकेटेड व्लॉग मैंने बड़ोग स्टेशन का बनाया था। तो इस रूट पर ना कालका शिमला ये जो रेलवे लाइन है, इस रूट के सभी स्टेशन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर तरीके से बने हुए हैं और बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसकी वजह से इनकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पहाड़ों के बीच होने की वजह से ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यहाँ आने का, इसलिए हम लोग आके ये कवर कर रहे हैं आप सबके लिए भी। तो यहाँ स्टेशन एंड होता है और ये पूरा धर्मपुरा जितना आप देख रहे हो, और वहाँ उस साइड से हम आए हैं, उस साइड चंडीगढ़ है और इस साइड शिमला है। तो उस साइड से ही ना, उस साइड अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ है कसौली। हाँ जी, की कर रहे हो? बहुत प्यारा, सब छोटी बच्चों वाली दुनिया हो गई, ट्रेन भी कॉम्पैक्ट हो गई और स्टेशन भी इतना सा छोटा, सब छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा, ऐसे लगता है बच्चों का, जैसे थॉमस एंड ट्रेन आती ना फेरी टेल, वैसे ही लगता है। हाँ जी पुत्र, ये ना पुराना स्टीम लोकोमोटिव है, इंजन 1905 तो लेके 2010 तक ये चलता रहा। हाँ, इतने साल ये चलिया है, हुण इनू काफी पुराना हो गया ना, उन्हें संभाल के रख लिया होना किसी म्यूजियम च या किते। मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मार्केट की तरफ और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्टीप चढ़ाई है। मैंने बोला जोरावर के लिए वहां से चले जाओ। जोरावर बाय। वो मेरे पीछे रहा जी, धर्मपुर रेलवे स्टेशन। और ये है धर्मपुर की मार्केट, क्यूट सा छोटा सा टाउन है धर्मपुर का। ये देखिए, उधर से लेफ्ट ले लेंगे तो शिमला रोड है, ये राइट लेंगे तो चंडीगढ़। ये देखिए प्यारी सी छोटी सी धर्मपुर की मार्केट, मुझे बहुत पसंद है ऐसे पहाड़ी छोटे से टाउन, छोटे से विलेज, अच्छा लगता है यहाँ घूम के। फ्रेश एयर होती है, मौसम भी ठंडा होता है। पुराने पुराने घर देखिए आप, कितने पुराने घर है। आ जाओ फिर, बड़ी एडवेंचर होगी थोड़े लिए। तो ये रूट रास्ता तो बना हुआ है पर यहाँ पे बंद कर दिया है, लोगों ने जुगाड़ बना के रास्ता बना ही लिया है। और ये है जी गुरुद्वारा साहिब धर्मपुर, चल के दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के। की सी ये देखिए क्रैब, ये देखिए खेकड़ा। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग भी देखिए कितनी पुरानी है, कितना पुराना कंस्ट्रक्शन हो रखा है। चल के दर्शन करते हैं जी गुरुद्वारा साहब के, फर्स्ट टाइम आने लगे हम लोग यहाँ पर। कितना सुंदर लग रहे है गुरुद्वारा साहब, निशान साहब, वाहेगुरु जी। वो देखिए नीचे धर्मपुर रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है। शाबाश, उत्थे रख दो डैडा दे शूज नाल। यस, इत्थे हैंड वॉश कर लो। आओ आओ जी, चल के करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। राहु से जो लाभ है नहीं।
तो मैं साथ साथ शूट भी कर रहा हूँ और कैमरा मेरे लिए मिरर का काम भी कर रहा है। और मैंने बांध लिया है जी पगड़ी और अंदर बड़ा ही प्यारा सा सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है जी। हाँ जी ठीक है डेडा जी पगड़ी। हाँ जी बहुत ठीक है। और वो नीचे रहा जी धर्मपुर रेलवे स्टेशन। आ जाओ जी, कोई बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए गुरुद्वारे साहब के, है ना? हाँ जी बहुत मजा आया है। फर्स्ट टाइम आए अपना? फर्स्ट टाइम आए। रूटीन जो आप व्लॉग्स बनाने हैं उधर या तो मार्केट होती है या फूड होता है। आज अपना मार्केट भी एक्सप्लोर की, स्टेशन भी एक्सप्लोर किया और फूड भी खाया और नाल नाल गुरुद्वारे गए, तो बहुत मजा आया। तो मोस्टली ऐसे होता है ना, चंडीगढ़ से निकलते या शिमले जाना होता है तब यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ आना होता ही नहीं है। आज क्योंकि हम धर्मपुर आए, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, स्टेशन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो बहाने से गुरुद्वारे साहब के भी दर्शन हो गए। तो ये प्यारी सी छोटी सी मार्केट है धर्मपुर की। और पहाड़ों में ना सब्जियां बड़ी फ्रेश फ्रेश देखने मिलती है, एकदम कलरफुल कलरफुल। हाँ जी ठंड बढ़ गई है ना, जोरावर को भी लगने लगी है ना। तो वही लग रही थी। हाँ हाईवे सीधा जाता है शिमला की तरफ और इस तरफ है चंडीगढ़। चाय मिल जाएगी बाजी, वाह बढ़िया हो गया। तो दो चाय बनाना बढ़िया सी। हाँ जी तो शाम का वक्त हो रहा है, हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है यहाँ पहाड़ों में, तो चाय पीते हैं। भैया को मैंने बोल दिया चाय बनाने के लिए। मज़ा आता है ऐसी जगहों पर आके ठंड में चाय पी के, एक अपना ही मज़ा होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है ठंड में पहाड़ों में आके चाय पीने का। बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, क्या बात है। और अंदर भी बड़ी प्यारी सी कुर्सी सी सिटिंग है। हाँ जी यस। हाँ जी जोरावर सिंह थक गए जी? अच्छा जी स्कूटर राइड कर रहे हो। ये देखिए जी गर्मा गर्म जलेबी बनते हुए। भैया पहले ट्रायल ले रहे हैं कि तेल गर्म हो गया है। हाँ जी गर्म हो गया, अब शुरू हो गया भैया, एकदम स्पीड देखिए भैया की, क्या बात है क्या बात। चाय आ गई जी गर्मा गर्म, क्या बात है, थैंक यू जी भैया। लो जी चाय, वे पीते हैं चाय गर्मा गर्म। स्वाद चाय बनाई है घर जैसी, एकदम बढ़िया चाय। किमें लगी चाय? बहुत टेस्टी, दूध पत्ती है। हाँ हाँ जी जोरा कुछ कहना सी तुझी? हाँ जी वो देखो जड़ा टॉय शॉप। टॉय शॉप यस। टाइगर हेलो टाइगर, हेलो करो, वेरी गुड।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਮੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਜਲੇਬੀ ਜਲੇਬੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲੇਬੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦੋ हांजी तो धर्मपुर के मेन रोड पर ही ना ये इनकी शॉप है बड़ी प्यारी सी चाय के लिए आपको चाय पकौड़े जलेबियाँ और स्वीट्स मिल जाएगी और 70 साल पुरानी इनकी ये शॉप है तो अगर आपको चाय पीनी है पकौड़े खाने हैं जलेबी खानी है स्वीट्स लेने हैं तो यहाँ ज़रूर आए गर्मा गर्म जलेबी वेरी क्रंची एंड जूसी टेस्ट करो मैं पैक करवाई है मम्मा ली मैं मम्मा आए नहीं है मम्मा दी फेवरेट है पैक करवाई एकदम गर्मा गर्म कर दी भैया गर्म क्रंची एकदम इतना अच्छा क्रंच है ना टेस्टी अभी सिर्फ 4:30 हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि दिन ढलने लगा है ये नीचे देखो वैली व्यू पूरे क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं हाँ बिल्कुल तो इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब और ठंड भी बढ़ चुकी है यहाँ धर्मपुर में क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो ठंड तो होनी शुरू हो ही जाएगी ना हर तरफ अभी ये देखिए नीचे छोटे छोटे गांव बराबर देखिए क्लाउड्स कितने थल्ले आए हुए हैं तो ये था जी आज का हमारा धर्मपुर टाउन का ब्लॉग आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लें लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो ऑल राइट देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कीप सपोर्टिंग द चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू टेक केयर बाय बाय